told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. आप बताइए, आपने इतना बटरी बर्गर कभी खाया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्राउड देखिए आप एक बारी, सिर्फ मुस्कान बर्गर के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसे क्या है इनके बर्गर, अंदर चल के देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड गाइस। हमें फिलहाल कवि नगर गाजियाबाद में और हम हैं मुस्कान बर्गर वाले के बाहर। बहुत अमेजिंग क्राउड है और यहाँ की जो बर्गर मेकिंग है ना, मतलब कि रुकते ही नहीं है हाथ यार। एक बारी में 50 बर्गर बनते ही रहेंगे यहाँ पे, रुकेंगे नहीं, रेस्ट नहीं लेंगे। अंदर चलते हैं, फुल मेकिंग आपको दिखाते हैं, क्या क्या डलता है वो दिखाते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आइए हमारे साथ। और भाई ये बुलेट की स्पीड देखो आप एक बारी, बर्गर स्प्रेड कर रहे हैं ताकि अंदर जो भाजी जाएगी अभी। ये दो कट, अच्छा ये भैया कट करे जा रहे हैं यहाँ पे। सही है यार, ये सिंगल बंदा नहीं संभाल सकता, पूरी टीम का काम है यहाँ पे। आपको हर एक जितना भी टीम मेंबर है ना, सब काम करता ही दिखाई देगा, रेस्ट लेता दिखाई नहीं देगा। ये आ गई फिर चटनी, बढ़िया। और मिनट के हिसाब से ना यहाँ पे भाई 30 से 40 बर्गर मिनट के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, ये अंदर जाएंगे, अंदर भाजी वगैरह डलेगी। और इधर ये भैया लगा रहे ऊपर वाले जो बन के ऊपर हरी चटनी। ठीक है, और गाइस ये देखिए भाई यहाँ पे अपनी भाजी तैयार हो रही है, स्पीड देखो आप एक बार यार। और भैया के एक बार हाथ देखिए, डांस कर रहे हैं पूरा, मैन गजब। मतलब आलसियों के लिए तो ये दुकान है ही नहीं। यहाँ सारे जितने भी वर्कर्स आपको दिखेंगे ना, किसी के हाथ तेज चल रहे, किसी के पैर तेज चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहे थे भैया इसमें भाजी में? हाँ, क्या क्या डालते हैं इसमें भाजी में? आलू होते हैं, मसाला पूरा। अच्छा, आलू और मसाले वगैरह होते हैं और सब्जियाँ वगैरह और भी डालते होंगे आप इसमें। तो अच्छी तरह मैश हो चुकी है भाजी हमारी, ऊपर से आगे प्याज बहुत सारे, और फिर आ गया भाई धनिया, ये बटर आ चुका पूरी टिक्की। वैसे एक बटर से तो कहाँ ही काम बनता है यहाँ पे, इसलिए एक और आई है अभी, तो शायद और भी आएंगी। नहीं, दो बटर, ठीक है। और अभी आपको लग रहा होगा ना कि बटर कम है इतनी भाजी के लिए, जब बर्गर बनेगा ना तो आप एक बार बटर ज़रूर चेक करिएगा कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे होता है। शुद्ध शाकाहारी काम है, प्योर वेजिटेरियन है। ये देखिए ये कितने बर्गर के लिए मसाला हो गए, ये मसाला जो तैयार कर रहे हैं भाजी, कितने बर्गर के लिए काफ़ी रहेगी ये? 120। ठीक, और दिन में कितनी बार बन जाती होगी भैया? बहुत बार बन, काफ़ी बार बन जाती है, मतलब 10-15 बार तो बन जाती होगी आराम से, है ना? तो भाजी अपनी फिलहाल तैयार हुई है और भैया ने काफ़ी देर तक अपने हाथ चलाए हैं भाई, बिल्कुल पतला पेस्ट बना दिया इसको। और आधे घंटे की मेहनत है यार 120 बर्गर के लिए भी। ठीक है, तो अब ये बंस में जाएंगे अंदर। ये देखिए, अभी एक छीट मेरी जैकेट पे पड़ गई थी और अंदर तक गर्म फील हो रहा था, बहुत गर्म गर्म भाजी है। उस साइड से लग रही है भाजी और इस साइड से प्याज और ये धनिया जा रहे हैं। ये प्याज में नींबू वगैरह भी डाले होते हैं भैया? हरा धनिया, नींबू वगैरह इसमें ऊपर से डालेंगे। अच्छा, और ये आ गया टमाटर, एक एक स्लाइस टमाटर की।
और एक एक स्लाइस जाएगा पनीर का। छोटे छोटे पीस रहेगा एक एक पीस पनीर के। सर अभी तो एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आपको छोटे में कॉल करूँ सर एक बार शूट के बीच में थे सर। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी ठीक है सर, हाँ जी ठीक है सर। ये ऊपर चाट मसाला डाल रहे हैं, ठीक है चाट मसाला और ये नींबू आ गया फिर, और ये लग रहा है भाई ऊपर वाला पार्ट बन का ढक्कन लग रहा है। सही है भाई पूरा। पहले तो तवे का साइज देखो आप एक बारी, और उस पर इतने सारे बर्गर, और ये आ गई बटर की टिक्की। अभी आप देखते जाइए, एक आ गई, दो आ गई। मैं क्यों कह रहा था कि इतने हैवी लग रहे हैं ये खाने में होने वाले, इसीलिए दो चीज दो नॉर्मल। ये तीसरी टिक्की ऐसे मुझे बोल के हिल रहा है, और ये आगे चौथी टिक्की बटर की। वो भाई एक्स्ट्रा बटरी होने वाला है। पांचवी टिक्की आधा किलो जा चुका है बटर इसमें। आप बताइए आपने इतना बटरी बर्गर कभी खाया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सुपर फास्ट काम है यार, मतलब चाहे लेफ्ट साइड देखूं चाहे राइट साइड देखूं हाथ रुक नहीं रहे किसी के। ये तो भाई बुलेट की स्पीड फेल कर रहे हैं क्या बात है भाई, मतलब डांस कर रहे खड़े खड़े सारे। और हर बार यहाँ पे भाई करीब 50 से 100 बर्गर के बीच बनते हैं। अभी तो और तवा भरेगा, जितना आप लेट आएंगे ना 7-8 बजे के आसपास आते हैं, आपको आधे घंटे की तो वेटिंग में लगना पड़ेगा। मैं ये स्पीड देख के मजा आ रहा है। बर्गर हो चुके बिल्कुल बटरी और करारे, आप देख सकते हैं कलर देखिए एक बार कितना डार्क कलर आ चुका है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और मतलब जो खुशबू आ रही है ना, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ, वो यार बिल्कुल वेट नहीं करने दे रही है। बटर देखो आप करीब से, ओ मैन गजब यार, और जो स्पीड है जो क्वांटिटी है बहुत बढ़िया। ये एक ऐसी दुकान है जिसको बाहर की चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इनके टिश्यूज मुस्कान के हैं, इनके बंस मुस्कान के हैं, मुस्कान दी हट्टी MDH के मसाले यूज करते हैं। वहाँ का काम भाजी का है। अभी आपको अंदर का भी शॉट दिखाएंगे। और ये बटर देखिए, अभी मैंने क्या कहा था 5 टिक्की डली थी, ये 6 हो गई है 7। और 8 टिक्की, हमें पहले इतना बटर लग रहा था ये तो अलग लेवल है। 9 टिक्की और ये 10 टिक्की, 1 बटर। भाई इतना तो यार खाओगे तो पता नहीं वेट कितनी जल्दी बढ़ जाएगा इसमें तो। यहाँ ये तो मैं कहूँगा रिकॉर्ड चीट मिल वाला। हाँ चीट मिल, सुपर चीट मिल है ये तो यार। एक दो हफ्ते से पहले तो मत खाइए आप दोबारा ना, दो हफ्ते में एक बार काफ़ी रहेगा क्योंकि मुझे लग रहा है यही रोज अगर आप खा लोगे ना हफ्ते में तो भाई 1 वजन तो यही बढ़ा देगा आपका। अरे ये सही है, सही है। चीज़ आ चुकी है, चीज़ की स्लाइसेस, डबल चीज़ भी है, सिंगल चीज़ भी है, ज़्यादातर यही वाला लगवाते हैं सिंगल चीज़ वाला। ठीक है भाई, स्पीड बताओ आप मुझे, स्पीड कैसी लग रही है आपको? सो बर्गर हमारा नियरली रेडी है। वैसे कितना मुश्किल होता होगा यार कि किस बर्गर के नीचे चीज़ लगा रहे हैं किसके नीचे नहीं लगा रहे, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो हो ही जाती होगी। सो गाइस हमारा बर्गर आ चुका है, चीज़ पनीर हॉट डॉग बर्गर। ये 50 का है, और एक बार मैं आपको अंदर से दिखाऊं। ये देखिए जो स्टफिंग इन्होंने डाली थी, पनीर है, चीज़ की स्लाइस है, बाहर से भी आपको दिख रही है। और सबसे ज़्यादा क्या है जो दिख नहीं रहा, वो है बटर, जो कि ये पूरा बर्गर एब्जॉर्ब कर चुका है। और ऊपर का थोड़ा क्रिस्पी बन लग रहा है। ओ भाई एक बाइट में आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज्यादा बटर है इसके अंदर। मामा दिखा दियो, स्कैनर दिखा दियो मामा। पर भाई टेस्ट में कोई कमी नहीं है, चीज़ ही फील होने वाला है वेजीज अंदर, और जो इसके अंदर का मसाला है
हल्का सा स्पाइसी रहेगा, बाकी हरी चटनी है, लाल चटनी है जो कि इसको खट्टा मीठा थोड़ा स्वाद दे रही है, तो एक मिक्स स्वाद आ रहा है गर्मा गर्म बर्गर का, बट बढ़िया लग रहा है। और एक क्राउड आपको बता रहा है कि मतलब क्या टेस्ट है यहाँ का। तो कमेंट करके बताइए भाई मेकिंग आपको कैसी लगी, क्या आपने ऐसा बर्गर कभी देखा है जिसमें इतना सारा बटर और इतनी लाजवाब मेकिंग होती है। सो गाइस, मुस्कान का बर्गर हमने ट्राई करा, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और मज़ा आया खा के। इससे पहले भी हम एक वीडियो आपके लिए ला चुके कवि नगर में, पांचाल भाई के बर्गर, उनके भी काफ़ी डिलीशियस थे। अब आप कमेंट करके हमें बताइए क्या आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, कौन ज़्यादा बढ़िया है, मुस्कान या फिर पांचाल। अब इनका कंपटीशन क्रिएट करते हैं, कमेंट करके बताइए भाई। अगर इस वीडियो पे 5000 आप लाइक देते हैं तो ज़रूर मैं करूँगा, पर नीचे कमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो लाइक करें पहले, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।